सड़क क्यों चला रही है भाई? आपके राज्य में अनर्थ हो गया, शत्रु सर पे आ चुका है। शत्रु कौन? शत्रु किसका शत्रु? क्या सारे ब्रह्मांड में हमारा शत्रु बनकर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं है गांव की शक्ति, कहे जो बाल भी बीता, पड़ा है सामने मेरे इस दुनिया का बल फीका, और मजरूर को मैंने सदा नीचा दिखाया है, हर ताकत को मैंने ताकत से दबाया है। जल्दी बताओ है आखिर भाव क्या है? भैया पंचमढ़ी में अदपुरी के दो राजकुमार आए हैं और उनके साथ जनक दुलारी सीता भी थी। सीता की सुंदरता को देखकर मैंने सोचा कि इसे लंका जलाकर आपकी रानी बनाऊं, परंतु इस बात पर उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। परंतु पंचमढ़ी में तो भाई खारे भूखे का अधिकार है, क्या क्या बात तुमने उन्हें नहीं बताई और उन वनवासियों को हमारा नाम नहीं बताया? भाई मैं पहला खर दूषण के पास ही गई थी, खर और दूषण मेरी सहायता को भी आई, परंतु उन दोनों बालकों ने उनकी लोहिया सेना सहित उनको मार गिराया। क्या कहा? खर और दूषण मारे गए, मैं अपने क्रोध की अग्नि में अग्नि को बुझा डालू, पवन को रोक दू, जलता सूरज बुझा डालू, मैं अपनी डालू और क्रोध में तो काल की गर्दन दबाऊं। भैया लगता है मुझे कि लंका पर बुरे दिन आ गए हैं, छाया अधिकार लंका पे, लंका को बचाना भाई, मेरी तो नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचाना भाई। बेशक उन वनवासियों ने बड़ी बेहयाई का काम किया है, परंतु उन्हें इसका मुनासिब दंड दिया जाएगा। जाओ बहन, तुम अपने रणवास में जाओ, मंत्री जी हमारा रथ तैयार किया जाए, नहीं छोड़ूंगा जहां मैं से खुद घरों के निशा बाकी रहेंगे अपना दुनिया में बस बाकी वो घुमा बाकी का बदला लिया जाएगा उनकी जान से 40 लाख का बदला। मेरे दिल में तो ठंडक उसी समय आएगी जब वो सीता लंका की रानी बनेगी। ठीक है बहन, ऐसा ही होगा, अब तुम अपने रणवास में जाओ। सीता तुम चंद्रमा के शीतल किरणों की तरह तपते हुए दिलों को ठंडा करने वाली हो, परंतु ब्रह्मा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो इन वनवासियों के साथ वैसे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया, परंतु अब मैं तुम्हारी तकदीर बदल डालूंगा। परंतु मेरे समान बलशाली भाई खर और दुखन को मारने वाला कौन हो सकता है? अयोध्या से सीधा पंचमढ़ी में आना और बिना कारण ही बैर बढ़ाना, कहीं पृथ्वी का भार उतारने के लिए साक्षात भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया? अगर ऐसा ही है तो मैं भी उनसे बैर बढ़ाऊंगा और अपने तीसरे श्राप से मुक्ति पाऊंगा। राम यदि नर है तो रावण से पिछाड़ा जाएगा, जनक नंदनी सीता को लंकेश उठाकर लाएगा, पुरुषोत्तम यदि राम हुआ तब काम मेरा आएगा, तब भी धन्य रावण तू मुक्ति के पद को पाएगा।
सवारी करा दे यार मणि जी। परंतु ऐसा होगा कैसे?